जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। वीर जी मेरी बहन अब बताइए नाश्ते में क्या बनाऊं क्या खाओगे आप? जो तेरी इच्छा हो बना दे मैं सब खा लूंगा। तो फिर गोभी के पराठे और खीर बना लो। गोभी के पराठे? अरे वाह, पर एक काम करना फटाफट बना के लेके आना, मुझे फिर ऑफिस भी निकलना है। ठीक है बीजी अभी लेके आई। लो बीजी नाश्ता। अरे वाह, गोभी के पराठे, मक्खन, दही और ना लस्सी, वाह भाई वाह, क्या बात है। पर रोज की तरह पहली गराई तो तुझे मैं ही खिलाऊंगा। मम्मी पापा को गुजरे हुए 7 साल हो गए और उनके जाने के बाद आपने मुझे संभाला है, यहाँ तक आपने शादी तक नहीं की सिर्फ मेरी वजह से। अरे कैसी बातें कर रही है मेरी बहन हाँ? अगर तू नहीं होती तो मैंने ही टूट जाना था। तू ही तो है जिसकी वजह से मैंने जीना सीखा है, वरना तो मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं था। बस अब एक अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी कर दूं, फिर मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, ठीक है ना? क्या बीजी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे हमेशा आपके पास रहना है, हमेशा। पर मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तुझे तो इस घर से निकालना है ताकि मैं भी अपनी आराम से जिंदगी जी सकूं। क्या बीजी, तुसी भी ना। मेरी बहन तू बड़ी हो गई है ना, शादी तो करनी है ना। ठीक है महक, अब मैं ऑफिस निकलता हूं, खाना वाना खा लेना और घर का ध्यान रखना, ठीक है? जी बीजी। चल एक हग दे दे। हाय, हाँ,
बाय। बहुत इजी था यार। आपको पता है अगर वीजी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वैसे भी एक दिन हमें वीर जी को बताना ही है कि हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और निकाह करना चाहते हैं। हाँ, वो भी है पर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है। डर लगता है। डरने वाली कौन सी बात है, मैं खुद वीर जी से बात करूंगा। बस यार बस जॉब परमानेंट है। अच्छा तो एक बात बताओ, आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? आप भले ही छोड़ दें हमें, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या फैज, मैं क्यों आपको छोड़ूंगी? अगर आपने दोबारा ऐसी बात की ना तो मैं सच में आपको हमेशा के लिए छोड़ के ही चली जाऊंगी। अच्छा तो हम भी वहीं आ जाएंगे आपके पीछे पीछे। दो बज गए हैं, नमाज का टाइम हो गया है। नियत करता हूँ नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, काबे शरीफ की ओर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अच्छा अब चलते हैं, नमस्ते। खुदा हाफिज। आज की शाम बड़ी मदहोश है, आज की शाम बड़ी मदहोश है, जाने फिर क्यों ये दिल मेरा खामोश है। आज की शाम बड़ी मदहोश है, शाम बड़ी मदहोश है।
बेहोश है आज की शाम बड़ी मदहोश है मदहोश है। कैसे हो बेटा तुम? बहुत अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और तुम्हारे भाईजान? वो भी अच्छे हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है बेटा। थैंक यू अभिजान। बहुत सुंदर, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, इतनी सुंदर और प्यारी बहू मुझे मिली है। क्या अभिजान, आप भी ना। अब जल्दी से घर में बहू बन के आ जाओ। बहू क्यों अभिजान, आपकी बेटी हूँ मैं। फैज भी आ गया। बेटा, अब आप अपने भाईजान को सब कुछ बता दें। जब आप लोग आपस में इतना प्यार करते हैं तो अपने भाईजान से छिपाने की क्या जरूरत है? जी अम्मी, पर वो तो फैज ही बताएंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है कि मेरे वीर जी जो है वो थोड़े हिंदू विचारधारा वाले हैं, तो पता नहीं वो इस रिश्ते को किस नजर से देखेंगे। हिंदू हो या मुसलमान, हैं तो हम सब इंसान, उसी अल्लाह, उसी वाहेगुरु, उसी ईश्वर के बंदे। हाँ, टेंशन ना लो अम्मी जान, तो भाईजान से खुद बात करूंगा। पैदल पैदल कहाँ जाएगा? आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करूँगा। मैंने 100 बार तुझे समझाया है, मेरा पीछा मत किया कर। और मैं भी तुम्हें 100 बार कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तेरे जैसे गुंडे बदमाश से मेरी जूती तक शादी ना करे। और अगर आज के बाद तूने मेरा पीछा किया ना, तो मैंने अपने वीर जी को बोल देना है। तो मैं खुद तेरे भाई से अपनी शादी की बात करने चला आता हूँ। तेरे सिर पर इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, हट जा मेरे सामने से। आज तो मैं पीछे हट गया, लेकिन एक दिन तुमसे शादी कर करूंगा। मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। किससे मिलने आया है? मैं आपसे ही मिलने आया हूं। मेरे से? चल आ जा अंदर, चल आ जा। हाँ बैठ। पर मैं तो आपको जानता नहीं, ना महक आपको जानती है। पर महक मुझे अच्छी तरह जानती है। अच्छी तरह जानती है? वो कैसे? तू मेरे घर भी पहुंच गया। वीर जी, निकालो उस बंदे को घर से बाहर। आते जाते हुए रोज मेरा पीछा करता है, रोज परेशान करता है। गुंडा बदमाश है ये।
रोज परेशान करता है। खड़ा हो जा। देख, तू कोई भी हो, तेरी शादी मेरी बहन से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो नहीं चाहती, समझा? आउच। अभी तक तो मैं शरीफों की तरह बात कर रहा था, पर अब बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। अगर सूरज प्रताप सिंह को अगर कोई चीज पसंद आ जाए ना, तो उसे छोड़ पानी वो हासिल करके रहता है। छोड़ मेरा हाथ। मुझे लगता है अब समय आ गया है, हमें ना वीर जी को सब कुछ बता देना चाहिए हमारे बारे में। पहले किसी दूसरी कंपनी में अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर बात करते हैं वीर जी से। क्या यार, तुम जॉब ही करते रहना, और कल को कोई तुम्हारे सामने से मुझसे शादी करके ले जाएगा, तुम ऐसे ही खड़े होकर देखते रहना। ऐसे कैसे ले जाएगा तुम्हें कोई? ये इम्पॉसिबल है। क्या यार, तुम बस ऐसे ही डालते रहो। इससे तो अच्छा हो तुम मुझे मार ही डालो, कम से कम मुझे मुक्ति मिले तुम्हारे इस प्यार से। अच्छा, मार डालो। मैं कल ही वीर जी से बात करता हूँ अपनी शादी के लिए। कोई सच सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कौन फेस? भाईजान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देख, मैं तेरा कोई भाईजान नहीं हूं। जो बात करनी है कर और चलता बन। मिलेगा महक, एक गिलास पानी पिला दे इसको,
मैं महक से प्यार करता हूं, उनसे शादी करना चाहता हूं। महक से प्यार? जी वीर जी, मैं भी पैसे प्यार करती हूँ और उनके बिना नहीं जी सकती। तू एक मुसलमान से प्यार करती है। मैं बताना चाहती थी वीर जी, पर क्या तुझे मालूम था ना कि तू गलत कर रही है, इसलिए मुझे नहीं बताया? नहीं वीर जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैं मुसलमान कौन से नफरत करता हूं और एक मुसलमान से तेरी शादी हरगिज होने नहीं दे सकता। क्यों विष्णु, क्या कमी है फैज में? वो बहुत अच्छे इंसान है और उनके पास एक अच्छी जॉब भी है। कमी ये है कि ये एक मुसलमान है। पर विष्णु, मुसलमान होना कोई गुनाह तो नहीं ना? वाह मेरी बहन वाह, आज तो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने भाई से बहस कर रही है, अपने वीर जी से। तो आज तुझे बता ही देता हूं, पता है हमारे मां बाप की मौत कैसे हुई थी? उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनको मुसलमान आतंकवादियों ने तड़पा तड़पा के मार दिया था, तड़पा तड़पा के। आज भी वो मुझे मंजर याद है, उनकी चीखें आज भी मुझे याद है। Yeah.
तो उस समय हॉस्टल में थी और तेरे मासूम दिल को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने तुझे यही बताया कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट थी, एक एक्सीडेंट थी। ये लोग हिंदू लड़कियों से शादी कर अपनी आबादी और आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं। निकल जाओ इस घर से। मेरी बहन की शादी एक मुसलमान से नहीं हो सकती, हर किस नहीं हो सकती। पर बीच हर मुसलमान एक जैसा तो नहीं होता ना। हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। और जहां तक बात है आतंकवादी की, आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता ना, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान। और फैज तो एक बहुत अच्छे इंसान है। और बीची, मैं फैज से ही शादी करना चाहती हूँ। वाह मेरी बहन वाह, क्या बदला दिया है तूने मेरे प्यार का। बता क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, बता। हमारी मां बाप की मौत के बाद बहुत प्यार से तुझे पाला था, तेरी हर इच्छा पूरी की ना। और मालूम है मैंने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि जो इस घर में तेरी भाभी बन के आएगी वो हम दोनों में दूरियां ना पैदा कर दे। से शादी कर ले, पर ये समझ लेना आज के बाद तेरा भाई मर गया, तेरा वीर मर गया, मर गया वो। वीर जी दरवाजा खोलिए, वीर जी दरवाजा खोलिए, वीर जी प्लीज दरवाजा खोलिए, बात तो सुनिए वीर जी। Thank you.
होता अगर इस धरती पर ना कोई मजहब होता और ना कोई धर्म। हाँ, धर्म होता तो केवल इंसानियत। चलता हूं। सोचा कर समझी। बैठ जा। तूने कुछ खाया पिया या नहीं? कुछ नहीं खाया तूने, मुझे पता है। चल जा पराठे बना और मुझे भी खिला। पीछे दिल नहीं है। तो ठीक है, मैं भी नहीं खाता, मैं चाय भी नहीं पीऊंगा। अच्छा ठीक है बीजी, लेके आते हैं। इस
हादसे में वीर जी की एक टांग खराब हो गई और महक के चेहरे पर जख्म हो जाते हैं। लोग आए और हाल पूछ कर चले गए, पर कोई उनकी मदद करने नहीं आया। सपने देखे थे तेरे वास्ते और आज ये हाल। तुसे चिंता ना करो बीजी, सब ठीक हो जाएगा। मैं नौकरी भी कर लूंगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तेरी। कौन तेरे से अब शादी करेगा, कैसे तेरा ब्याह होगा? हे वाहेगुरु, मुझे तो कभी शादी करनी ही नहीं थी, मुझे हमेशा आपके पास रहना है, हमेशा। मोला तेरे दर पे बैठा हूँ, तू भर दे आशिया, तू तू भर दे आशिया। मोला तेरे दर पे बैठा हूँ, तू भर दे आशिया, करम अपना कर दे मुझ पे, करम अपना कर दे मुझ पे, रहम अपना कर दे मोला, रहम अपना कर दे। सतना दाता दान मत पूरा, हम थारे बिहारी जियो, मैं क्या मांगूं कुछ फिर न रहा, हर दीजे ना शब्दी देख बिहारी जियो, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे बिहारी जियो। मरत प्याल आकाश दिखायो, गुरु सतगुरु कृपा ताई जियो, सो ब्रह्म गजोनी है पी होनी, कट पीतर देख मुराई जियो, मैं क्या मांगू
किछ थिर न रहाई हर दी जेना प्यारी जीयो एक्सीडेंट हो गया या अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ फैस, किसका एक्सीडेंट हो गया? मिजान महक और उनके भाईजान का। महक का चेहरा खराब हो गया और भाईजान उनकी टांग चली गई। या अल्लाह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हमें उन्हें देखने जाना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पर अम्मी जान, वो तो हमसे बेइंतहा नफरत करते हैं। इस मुश्किल की घड़ी में कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। उस अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है और ये धर्म मजहब तो हम इंसानों के बनाए हुए हैं ना। राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, ये सब एक ही बात कहते हैं और वो है इंसानियत। दूसरों के दुख में उनकी मदद करना, इसलिए हम उनकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, हम आज ही चलेंगे उन्हें देखने। भाईजान, आपको हमें बताना चाहिए था। इतना सब कुछ हो गया। हमारे मजहब जरूर अलग अलग है, लेकिन है तो हम इंसान, उसी वाहेगुरु, उसी अल्लाह के बंदे हैं हम। भाईजान, अब आप हमारे साथ चल रहे हैं हमारे घर। हाँ, हम आपका और महक का ख्याल रखेंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। आपको आपके वाहेगुरु का वास्ता, आपको हम अपने साथ लेकर ही चलेंगे। फिर तो आप महक से ही पूछ लो। महक से क्या पूछना, ये तो बेटी है हमारी। ये
और वीर जी को अपने घर ले जाते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं और खूब सेवा करते हैं। भाईजान, आपकी इजाजत हो तो क्या एक बात पूछूं? पूछ। भाईजान, मैं क्या? मैं क्या महक से निकाह कर सकता हूँ? पर उसका तो सारा चेहरा ही खराब हो गया है, उससे कैसे निकाह करेगा तू?
भाईजान, मैंने महक से प्यार किया है, उसकी खूबसूरती से। वैसे भी आजकल के ज़माने में सर्जरी से सब कुछ ठीक हो जाता है, मुझे केवल आपकी इजाज़त चाहिए। फेस, तुम लोगों के बहुत एहसान है हम पे, और कितने एहसान करेगा। मुझे माफ कर दे। अरे भाई जी, क्या कर, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो पहले, मुझे माफ कर दे। जब हम बीमार थे, मुसीबत में थे, उस समय कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी हमारी मदद करने नहीं आया। उस समय तू आया, तू। मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो धर्म मजहब में पढ़ के तुम लोगों को गलत समझा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे फैज। बहुत बहुत मुबारक हो, और निकाह हम क्यों, ठीक है ना? हाँ जी, जरूर। कुछ दिनों के बाद फैज और महक कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, ताकि दोनों में से किसी को भी अपना धर्म बदलने की जरूरत ना पड़े। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई। उसकी आंखें हैं थोड़ी जागी थोड़ी सोई, मेरी नजरों में तू जन्नत की हूर है। आज की शाम बड़ी मदहोश है, कुछ समय बाद शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते हैं, और पूरा शहर आग और नफरत की लपटों में जलने लगता है। निकालो मुसलमानों को बाहर, आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। निकालो मुसलमानों को बाहर, इन लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, आज इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निकालो हमारे मुसलमानों को बाहर। Thank you.
तुम लोग रुको, हम लोग नीचे देख के आते हैं। आप रुके, हम लोग देख के आते हैं। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ बताओ, कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, बता। तू बताएगा? तू बता या तू। जब हम मर रहे थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना तूने और ना तूने। उस समय ना हमारी कोई पड़ोसी मदद करने आया, ना कोई रिश्तेदार। उस समय इन्होंने हमारी मदद की, जिनको तुम मुसलमान कह के मारना चाह रहे हो। और तूने तूने तो हमें बर्बाद किया है। तू बता क्या धर्म दे रहा, क्या धर्म दे रहा? तू हिंदू है या तू मुसलमान, या तू मुसलमान? मैं बताती हूँ तेरा क्या धर्म है। तेरा धर्म है हैवानियत। और बता, किस किस को मारेगा तू यहाँ पे? मैं पैदा हुई हिंदू परिवार में, मेरे पिता थे एक हिंदू और मेरी माँ थी एक सिखड़ी। अब मैंने शादी की है एक मुसलमान से, तो तू मुझे ये बता, ये जो मेरी कोख में बच्चा है, ये हिंदू है, मुसलमान है, या फिर सिख है? दे जवाब। नहीं है ना तेरे पास कोई जवाब? नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मजहब, धर्म, सांप्रदाय, एक इंसान को दूसरे इंसान से भेदभाव करना नहीं सिखाता। मजहब और धर्म कच्चे धागे की वो डोर भी नहीं जो छूने मात्र से ही टूट कर बिखर जाए। मजहब और धर्म तो इतने पवित्र, महान और शक्तिशाली होते हैं कि जिनके छूने मात्र से ही अपवित्र भी पवित्र हो जाया करते हैं। कोई भी मजहब या धर्म एक इंसान को दूसरे इंसान से भेदभाव करना नहीं सिखाता, बल्कि मजहब और धर्म तो एक ही शिक्षा देते हैं, एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा। और जो लोग मजहब और धर्म के नाम पे खून बहाना चाहते हैं, दंगे फसाद फैलाना चाहते हैं और आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ऐसे इंसानों को तो इस देश में क्या, इस धरती पर भी रहने का कोई अधिकार नहीं। चले जाओ यहां से, वरना यहां लाशें बिक जाएंगी और मैं अपने पति और अपनी मां समान सास तक तुम लोगों को नहीं पहुंचने दूंगी। और फिर लोग कहेंगे दंगों में हिंदुओं ने हिंदुओं का ही खून बहा दिया। चले जाओ।
मुझे माफ कर दो। मैंने धर्म, मजहब और प्यार को गलत तरीके से देखा, पर आप लोगों ने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो। यह शिक्षा मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा ताकि हमारे देश में अमन और शांति बने रहे, ताकि लोगों के दिलों से धर्म के नाम पर अंधकार और मजहब के नाम पर अंधकार दूर हो सके। चलो साथियों, वापस लौट चलो। की नौकरी परमानेंट हो जाती है और वो वीर जी का इलाज करवाता है और महक के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। इससे वीर जी की टांग ठीक हो जाती है और महक का चेहरा भी अच्छा हो जाता है। भाईजान, अब आपको भी शादी कर ही लेनी चाहिए। महक की जिम्मेवारी तो आपने निभा ली, अब हमें भी निभाने दो। हाँ वीर जी, अब मुझे भी भाभी ला ही दो आप। तो ठीक है, तुम लोग ही ढूंढ लो मेरे लिए कोई कुड़ी। पर उसका धर्म, मजहब पर उसका धर्म मजहब हो सिर्फ इंसानियत। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद करना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान।